हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टेलीपैथिक मैसेज भेजने जा रहे हैं और एक मेडिटेशन मोड में जाके ये हम करने वाले हैं। ये हम करने वाले हैं अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जिनसे जिनके लिए आपके मन में दुविधा आ जाती है कि कहीं कोई सेकंड पर्सन तो नहीं है, या फिर अगर सच में रियलिटी में कोई सेकंड पर्सन आ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, तो भी आप ये मेडिटेशन करेंगे। एंड ये आप लोग कंटिन्यूअस 21 डेज करेंगे। ओके, इसको करने के जो रूल्स हैं वो ये कि अगर आप रात में करते हैं तो सोने से ठीक पहले करके सोएंगे, अगर आप दिन में कर रहे हैं तो शांति की जगह एकांत में कहीं पे करेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे जब आप मेडिटेशन में कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सोच बहुत जल्दी से ना अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जो फोकस है वहाँ से हटने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। ओके, आप कुछ सोच रहे हो, बीच में किसी ने बोला, वैसे ही मैनिपुलेट हो जाता है, वैसे ही आप डाइल्यूट कर देते हो थॉट को। ओके, सो ऐसा नहीं करना है, शांति में बैठिए, एकाग्र होके एक जगह बैठ करके और फिर करिए। आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपकी सोच एक जगह होनी चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए आपको। ओके, ये नहीं कि आप बहुत सैडनेस में हो, रो रहे हो सारा दिन और फिर आप सोच रहे हो कि हम मेडिटेशन कर लेते हैं या कुछ, आप करिए, आपको पहले दिन रिलैक्सेशन मिलेगा, कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे करते करते एटलीस्ट 21 डेज तो कंटिन्यू करिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम कितने हाई वाइब्स में हैं, किस दिन हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं, किस दिन हम कितने लो हैं, कितने कनेक्टेड हम हैं, राइट? सो ये बार 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 करने से कनेक्शन बिल्ड होता है। अब इस मेडिटेशन से आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा डाउट है आपके मन में कि कोई सेकंड पर्सन नहीं आ जाए, सेकंड पर्सन कौन होता है, सपोज़ आप दोनों अपने अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, किसी वजह से कोई गैप आ गया है, कई महीनों से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, अब आप को पता नहीं है कि इतने दिनों की जब बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है उधर किसी और से उनका लगाव हो गया हो, अटैचमेंट हो गया हो, तो वो आप उसको ये मानते हैं कि वो बंदा हमारे बीच आ गया, वो बंदी हमारे बीच आ गई, राइट? तो अभी क्या है, उसी सेकंड पर्सन को आप एक तरह से उनके दिल से हटा रहे हैं, ठीक है? यू आर नॉट वर्किंग ऑन एनी सेकंड पर्सन, बट आप उनके दिल में अपने लिए जगह बना रहे हैं, अपने प्यार का विश्वास वहाँ मजबूत करेंगे। ओके, बहुत बारी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें ऐसा हो गया है कि सेकंड पर्सन बिल्कुल आ गया था, रिलेशनशिप भी आगे मूव ऑन होना शुरू हो गया था, लेकिन आपके प्यार ने, आप जब यहाँ से लव वाइब्रेशंस भेजते रहे या आपकी वो जो स्ट्रांग फीलिंग है उसकी वजह से वो पर्सन मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे उनके साथ, बिकॉज आप तो आप हैं, आपकी क्वालिटीज़ आपकी ही है, आपकी क्वालिटीज़ कोई और ले ही नहीं सकता, राइट? बस इसी चीज़ को इस मेडिटेशन में जाके आप उनको फील कराओगे, उनको ये चीज़ बोलोगे। एंड मेडिटेशन मोड में जाकर के जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसा करने से होता है, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, ट्रिमेंडस हैं, जितने भी टेलीपैथी के वीडियोज़ हैं मेरे या फिर मेडिटेशन के वीडियोज़ हैं, उनको आप खोल के उनके कमेंट्स में ही उनकी सक्सेस पढ़ सकते हैं, अनगिनत कमेंट्स हैं, अनगिनत, ओके, हज़ारों में हैं, तो इतना सक्सेस है। तो इसीलिए आज हम इसको भी मेडिटेशन मोड में करेंगे, ओके? अपने अपने पार्टनर्स के लाइफ में अगर कोई सेकंड पर्सन है तो भी एलिमिनेट करने के लिए, अगर कोई नहीं है तो भी वो प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए कि कोई किसी की एंट्री कभी हो ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक आप लोग शादी के बंधन में बन के एक जगह नहीं आ जाते तब तक वो पर्सन वहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप किसी और से शादी कर लीजिए, तो वो भी एक सेकंड पर्सन का ही यू नो रहता है कि वो आ ना जाए। तो इसलिए आप लोगों को ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा करते रहिए। कॉल्स नहीं आई है उनको भी करना है, ओके? सो चलिए, अब इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है एंड स्टार्ट करते हैं इस मेडिटेशन को। शांति की जगह में लेट जाइए या कहीं पे आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले हम अपनी सोच को एक जगह एकत्रित करेंगे। इसके लिए हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out.
अपनी आंखें बिल्कुल हल्के से बंद रखिए, पलकों पे कोई जोर नहीं देना है, पलकें बिल्कुल हल्की बंद होनी चाहिए, चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे अपने आईज को। अब रिलैक्स करेंगे, अपनी सोच को एक जगह लेके आएंगे, अपने स्पेसिफिक पर्सन का चेहरा ध्यान में लाइए। उनको देखने की कोशिश कीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, अब आप खुद को उनके पास लेके जाइए। आप उनके बहुत करीब हैं, आप उनको अपनी हर बात बता सकते हैं। आज आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को ये बताना है कि आप ही उनकी दुनिया है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बने हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आप उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। आप उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में देख के उन्हें ये विश्वास जगाइए कि आपसे बेहतर इस दुनिया में उनके लिए कोई भी नहीं है। आपसे ज्यादा उन्हें कोई भी और मोहब्बत नहीं कर सकता है। आपकी जिंदगी के टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले वो आते हैं। आप दोनों एक हैं। आप दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है। आप हर पल उनके लिए हैं। सिर्फ एक फोन कॉल और आप उनके लिए मौजूद हैं। इसी तरह वो भी आपके लिए हर पल मौजूद हैं। आप दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। किसी भी और के पास जाके कभी भी दिल में सब्र और शांति मिलती ही नहीं। जो तसल्ली, जो सुकून एक दूसरे के साथ आप दोनों को मिलता है, वो कहीं और नहीं।
आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से उनकी आंखों में देख के बताइए उन्हें कि आप और सिर्फ आप हैं उनके लिए, कोई दूसरा इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता। आप बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं उनके लिए। आपका प्यार उनके दिल में इतना भरा हुआ है कि किसी और के प्यार की गुंजाइश ही नहीं। कोई और इंसान, कोई और कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकता। आपको और उनको मिलाने के लिए यूनिवर्स दिन रात काम कर रहा है। आप दोनों एक दूसरों के दिलों में हैं। आप उन्हें बताइए, उनके हाथों को अपने हाथों में लीजिए, उन्हें बोलिए आप और वो दोनों मिलकर ही एक होंगे। आप दोनों मिलकर ही पूरे होंगे। आपकी सोल, आपकी एनर्जी उनके लिए है। आप दोनों के बीच किसी और इंसान की कोई गुंजाइश नहीं। वो बस आपके साथ ही सुकून पाते हैं। उन्हें आपके साथ ही वक्त बिताना अच्छा लगता है। उन्हें आपके साथ ही रहना पसंद है। आप उनके दिल को, उनकी आंखों को विश्वास से भरिए। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाइए कि आपके और उनके बीच कोई दूसरा इंसान नहीं है, ना है, ना हो सकता है कभी। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। उनके दिल में सिर्फ आपके लिए मोहब्बत है। किसी भी इंसान में उन्हें वो बात नजर ही नहीं आती जो आप में है। आपके जितनी भी अच्छाइयां हैं उन सब पर वो मेहरबान फिदा हैं। आपकी जिन बातों से उनको मोहब्बत है वो कहीं और उन्हें कभी दिखी ही नहीं और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक हैं। आप उनके लिए बने हैं और वो आपके लिए। आप दोनों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत खूबसूरत होता जा रहा है। इस खूबसूरत से रिश्ते में किसी और की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ आप दोनों के प्यार की जगह है। अब आप दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। क्योंकि भीड़ में भी वो सिर्फ आपको ढूंढेंगे, आपकी खुशबू पहचानेंगे, आपकी आवाज सुनना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे।
अब आप सब वापस आइए, उनके हाथों को छोड़िए और वापस आइए मेडिटेशन में। प्लीज कम बैक। अब आप सबने अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन के दिल में वो प्यार, वो विश्वास जगा दिया जो उनको किसी और की तरफ कभी मुड़ने नहीं देगा। वो हजारों के बीच में भी सिर्फ आपके रहेंगे। इसी विश्वास को आप सब भी अपने अपने दिलों में मजबूत कर लीजिए। आपका यही विश्वास आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा। अब हम इस मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे, वापस से लंबी गहरी सांसें लेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे और ये मेडिटेशन आप लोगों को रोज़ाना रात में सोने से पहले 21 दिन तक कंटिन्यूस करना है, ताकि ये जो फीलिंग आप इस मेडिटेशन में अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं वो उनके दिल में ऐसे बैठ जाए, एक सुरक्षा चक्र की तरह बैठ जाए कि उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम आए नहीं और आप लोगों के रिश्ते में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।